जी से बात करें। गुरु जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर भदंत उपगुप्त महाथेरो। अच्छा, जो धम्माचल के बारे में हमको जानकारी चाहिए थी, जो आपके यहाँ सामने जो मूर्ति है उसके बारे में। इसको डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, भारत सरकार का सहयोग लेना जरूरी है। इसीलिए हमारे मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार जी को हमने बुलाया। वो हर साल यहाँ आते हैं और समाज के हमारे संजय बंसोड़े जो राज्य मंत्री है उनको भी बुलाया, क्योंकि शास्त्र ये हमारी संस्था है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पाली एंड बुद्धिज्म। गत 15 साल से संस्था स्थापित है, मैं उस संस्था का सचिव हूँ। अच्छा सर, आज जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जो आज प्रोग्राम था कौन से जो सोलहवीं अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद, इस परिषद में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर के हमारे प्रमुख लेह लद्दाख से वंते संघसेन महाथेरो आए, वंते धम्म सेवक महाथेरो, हमारे बोधिपालो महाथेरो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। जी से बात करेंगे। गुरु जी आपका नाम क्या है? डॉक्टर भदंत उपगुप्त महाथेरो। अच्छा, जो धम्माचल के बारे में हमको जानकारी चाहिए थी, जो आपके यहाँ सामने जो मूर्ति है उसके बारे में। ये हमारी संस्था है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पाली एंड बुद्धिज्म। गत 15 साल से संस्था स्थापित है, मैं उस संस्था का सचिव हूँ। डॉक्टर एस पी गायकवाड़ अध्यक्ष है, हमारे 20 लोगों की कार्यकारिणी है और थोड़ा थोड़ा करके ये फरदापुर एरिया में हमने जमीन लोगों के डोनेशन से ऊपर थोड़ा थोड़ा दान जमा करके अब 74 एकड़ जमीन खरीदा है। यहाँ मूल उद्देश्य ये है कि पाली भाषा का विद्यापीठ निर्माण करें, क्योंकि यहाँ बौद्ध गुफाएँ पुरानी हैं, ये बौद्ध विचारधारा की साक्ष्य देती है। ये बौद्ध गुफाओं के अगल बगल में या पास में अभी तक कोई बौद्धों का स्थान बाबा साहब अम्बेडकर के दीक्षा के बाद कोई लोगों ने यहाँ निर्माण नहीं किया। जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए रहने की जगह ठीक नहीं है, बौद्ध धर्म के पढ़ाई के लिए कोई रिसर्च सेंटर नहीं है, और तो और जो पाली भाषा है जो कई भगवान बुद्ध के समय से नालंदा तक्षशिला बौद्ध यूनिवर्सिटी थी उसमें पढ़ाई जाती थी, वो अभी नाम शेष हो गई है। अच्छा सर, आज जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जो आज प्रोग्राम था कौन से जो परिषद 16वीं अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद, इस परिषद में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर के हमारे प्रमुख लेह लद्दाख से वंते संघसेन महाथेरो आए, वंते धम्म सेवक महाथेरो, हमारे बोधिपालो महाथेरो। ये भिक्षु संघ बड़ी संख्या में उपस्थित था और तो और ये इसको डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, भारत सरकार का सहयोग लेना जरूरी है। इसीलिए हमारे मंत्री महोदय अब्दुल सत्तार जी को हमने बुलाया। वो हर साल यहाँ आते हैं और समाज के हमारे संजय बंसोड़े जो राज्य मंत्री है उनको भी बुलाया, क्योंकि शासन के आधार के बगैर, शासन के सहयोग के बगैर ये जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये नहीं कर सकते। समाज का दान देने का जो है सिलसिला कोई सीमित है, लेकिन आगे जब बड़ा काम करना है इसीलिए उनको भी बुलाया गया। स्मरणिका का यहाँ विमोचन हो गया, बुद्ध वंदना पूजा हो गई, वो फ्लैग होस्टिंग हो गया, फ्लैग होस्टिंग से बुद्ध मूर्ति तक हमारा जुलूस हो गया, और तो और वो बुद्ध मूर्ति जो बनी है वो विदेशा से पत्थर ला के यहाँ बनाई गई है भगवान बुद्ध की। अच्छा सर, उनकी हाइट कितनी है? 32 फीट की है। 32 फीट की, वो कारागिर राजस्थान से लाए थे, उन्होंने बनाई है। हम जहाँ बैठे हैं ये निवास स्थान संथागार भिक्षु निवास, ये लोगों के डोनेशन के ऊपर बनाया है।
यहाँ जो सुविधाएँ हैं उपासक लोगों ने हमें डोनेट की है, पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, रास्ता थोड़ा आधा बन गया, नदी तक ब्रिज बन गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4.5 करोड़ रुपए हमारे को दिए थे। अच्छा सर, राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार जब प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने क्या बोले उन्होंने? अभी जो शासन स्तर पर ये विकास काम के लिए समस्याएं आएगी, वो समस्या हल करने का उन्होंने हमको शब्द दिया है। जैसा कि रास्ते के विषय है, रास्ते का भी रजिस्टर करना है, जमीन का वो विषय है, MTDC की यहाँ 15-17 एकड़ बगल में जमीन पड़ी है तो वो जमीन देने की बात हुई है, और तो और पर्यटक निवास के लिए कुछ 1-2 करोड़ देने का भी उन्होंने हमें वादा किया है, और तो और नदी के उस पार भीम पार्क बनाने की उनकी कल्पना है, इसको लगा के, और बगल में शिव पार्क, शिवाजी महाराज का स्मारक और बाबा साहब का स्मारक, जैसे उत्तर भारत में लखनऊ में मायावती ने बनाया है, दिल्ली में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर सर्विस अलीपुर रोड रहते थे वहाँ एक बड़ा स्मारक बना। अच्छा सर, हमने एक बार राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब से भी बात किए थे, हमने जो बहुत ही बड़ा एक गार्डन बनने वाला है, बहुत बड़ी जो शिवाजी की मूर्ति बनने वाली है, वहाँ अम्बेडकर साहब की भी बहुत बड़ी वो बनने वाली है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर, कब तक होगा ऐसा काम? अभी कैसा है, एक तो मैं उस पहले मीटिंग में बम्बई में हाजिर था, मुझे बुलाया गया था सत्तार से, जमीन MTDC की है, बजट दे रहे हैं सामाजिक न्याय, बना रहे रेवेन्यू राज्य मंत्री, और पैसा मंजूर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अब 4 डिपार्टमेंट में ये चक्कर फंसा है, जब तक ये 4 डिपार्टमेंट की मंजूरी नहीं मिलती तब तक ये सिलसिला आगे नहीं जा रहा। होगा जरूर, करेंगे वो, क्योंकि उनका शासन है, तीनों मिनिस्टर उनके संबंधित है, पर्यटन जमीन देगा, सामाजिक न्याय बजट देगा, करेंगे ये। अच्छा, जो सर जो प्रोग्राम होता तो हर साल होता है, ये 15 साल से होता है, 15 साल से, कौन सी तारीख है इसकी? 2 साल हमने नहीं किया, लेकिन 15 साल से सिलसिला ही धम्म परिषद होती है, देश विदेश से बहुत भिक्षु, पिछली बार तो दक्षिण कोरिया से भक्ति आए थे, 2 साल विदेशी भिक्षु आते हैं, पूरे महाराष्ट्र से आज कम से कम कितने 70 भिक्षु थे ना, यहाँ 70 हमारे भिक्षु संघ के मेंबर महाराष्ट्र से 70 बहुत भिक्षु उपस्थित थे, और जालना, औरंगाबाद, वाशिम, अकोला, जलगाँव, बुलढाणा, इधर अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड़, परभनी होते हुए नासिक, पुणे से हमारे कोल्हापुर के भी प्रतिनिधि लोग यहाँ पधारे थे, इतने डिस्ट्रिक्ट से हमारे जो बहुत धर्म प्रचार कार्य करने वाले खास लोग हैं वो आए थे। ये संस्था में पूरे IAS अधिकारी, क्लास वन अधिकारी हमारे वो जो सहयोग देते हैं, जिन्होंने ये सब काम के लिए दान दिया है, वो सब बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उनके सहयोग से चलता है ये। हर समय हमारी संस्था की मीटिंग होती है, उसके बाद वो दान देंगे, जमा करके अपने दोस्तों से जमा करके देते हैं, ऑडिट होता है सब। अभी इसका DPR बन रहा है, इसका पूरा जगह का, वो DPR के लिए रुका है, जब DPR बनेगा तब आगे काम बढ़िया चलेगा। दक्षिण कोरिया आप लोग फाइनेंस करेगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी फाइनेंस करेगा, धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, निश्चित रूप से एक अच्छा यहाँ बुद्धिस्ट सेंटर, पाली भाषा का और धर्म की अच्छी पढ़ाई देने का, नीतिमान शिक्षण देने का, ज्ञान देने की बात यहाँ चलेगी, जो कई जमाने में थी, ऐसा धीरे धीरे जरूर होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस हिसाब से हम काम सबका सहयोग लेके काम कर रहे हैं। तो सर से हमने बात करें, हमको बहुत अच्छा लगा, तो इसी के बारे में पूरी डिटेल हम YouTube पे अजंता न्यूज़ पे अपलोड करेंगे, तो अजंता न्यूज़ को लाइक कर लेना चाहिए, शेयर कर लेना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे हम।